सीधी जिले में इन दिनों लगातार सड़क हादसों का दौर जारी है और उसमें आए दिन किसी न किसी की मौत हो रही है, कोई न कोई घायल हो रहा है। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सीधी जिले में सामने उभर कर आया है, जहाँ आज 8 मई 2024 की सुबह 9 बजे के आसपास मजदूरों से भरी तेज रफ्तार पिकअप वाहन मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक महिला की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 दर्जन के आसपास यात्री घायल बताए गए हैं। पूरा मामला ये है कि मझौली थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलवारी के ग्राम पौड़ी में मजदूरों से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हो गए हैं। वहीं एक महिला लालवती रावत, पति रजन रावत, उम्र 35 वर्ष की, घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं जो घायल हुए हैं उन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मझौली में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस घटना में 4 मरीज गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें मझौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के उपरांत डॉक्टरों के द्वारा उन्हें उपचार हेतु जिला चिकित्सालय सीधी के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मजदूरों को लेकर पिकअप वाहन क्रमांक MP20GA 3472, जो गंगेई से मजदूरों को लेकर चुवाही जा रही थी, कि अचानक विपरीत दिशा से आ रहे बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह घटना हुई है। वहीं जैसे ही इस घटना के संबंध में ग्रामीणों को जानकारी हुई, हालांकि घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, ग्रामीणों ने तुरंत मझौली पुलिस को सूचना दी और जानकारी पाकर मझौली थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल मझौली में भर्ती करवाया है। और अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।